देखिए अंशु आ गया है डॉक्टर। हाँ बदमाशी करेगा, देखिए हाथ में सुइया पड़ गया है इसका। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग काफ़ी शानदार, धमाकेदार और ज़बरदस्त होगा, तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्त। दोस्त अभी टाइम हो रहा है 5:38, तो हम जाग चुके हैं और देख सकते हैं कि ये देखिए कॉपी लेके चलते हैं छत पे, वीडियो अपलोड करना है क्योंकि 7 बजे अपलोड करना पड़ता है ना, तो ठीक है। अरे देखिए सुबह सुबह मेरा गेट पे आके बैठ जाता है डेली। तो फाइनली हम पूजा पाठ करके रेडी हो गए हैं, आज बृहस्पतिवार था तो हम व्रत करते हैं। ये देख सकते हैं केला का पेड़, सारा चीज़ तो पूजा करके हम रेडी हो गए। तो आज जाना है अंशु के मम्मी को, मतलब वही दिखाने के लिए, तबीयत ख़राब है तो आज डॉक्टर बोला था मिलने के लिए, तो चलिए ठीक है डायरेक्ट मिलते हैं उसके घर पे, अंशु के नानी घर। तो ये देख सकते हैं दोस्त हम जा रहे हैं, तो देखिए रास्ता में थोड़ा मतलब कि दिक्कत नहीं कुछ हुआ, सोचे बात कर लेते हैं। ये देख सकते हैं अब पहुँचने वाले हैं, तो चलिए ठीक है सीधे मिलते हैं उनके घर में। तो ये देख सकते हैं दोस्त हम पहुंच गए हैं अंशु के नानी घर, तो देख सकते हैं अब लेके जाएंगे अंशु की मम्मी को। अंशु के मम्मी को दिखाने जाना है, तो ये देख सकते हैं रेडी होके अंशु आ गया है। तो सब लोग रेडी हो गए हैं, अब चलते हैं सीधे उनको दिखाने के लिए हॉस्पिटल में, डायरेक्ट मिलते हैं वहीं हॉस्पिटल के पास। देखिए अंशु अपना मम्मी को खोज रहा है, इसका मम्मी अभी नहीं आई है। क्या अंशु तुम अकेले जाएगा? अकेले जाएगा हैं? मम्मी के नहीं लेके जाएगा? तो देखिए हम लोग पहुंच गए हैं हॉस्पिटल के पास। तो ये देख सकते हैं अंशु जाग गया है, सोया हुआ था गाड़ी पे, और ये देखिए डॉक्टर के पास आ गए, और ये देख सकते हैं दवा ले रहे हैं, और डॉक्टर साहब आए नहीं हैं तो 3 दिन का दवाई लेके फिर चलते हैं घर। अंशु को भी दिखाना है, तुमको भी दिखाना है, हैं हैं, इसको भी दिखाना है। तो एकाएक प्लान बना लिए अंशु के नानी की साड़ी लेना है, तो देखिए साड़ी के दुकान में आके देखिए देख रहे हैं साड़ी, और अंशु भी देखिए साड़ी के साथ इधर उधर कर रहा है। तो दुकान वाला नहीं बोलता है, बहुत पुराना मतलब इसका कस्टमर है इसका नानी, तो इसी वजह से नहीं कुछ बोलता है। और देख सकते हैं प्रियंका दीदी साड़ी पसंद कर रही है, तो काफ़ी अच्छा अच्छा साड़ी दिखा रहे हैं, तो देखिए कौन कौन पसंद आता है। तो देखिए पीला वाला पसंद की है, तो यही वाला लेके और सीधे चलते हैं फिर घर। तो सारा काम हो गया है, अब चलते हैं सीधे घर, और घर से फिर घर में मिलते हैं सीधे। तो ये देख सकते हैं घर आ गए हैं, तो हल्का हल्का बारिश भी आ गया है, तो चलिए देखिए गाड़ी लगा के फिर घर के अंदर चलते हैं। ये देख सकते हैं दोस्त काफ़ी घर आए, जैसे काफ़ी एकदम मूसलाधार बारिश शुरू हो गया है गांव में, तो धान वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है, भगवान करे बारिश होते रहे। ये देखिए दोस्त अंशु गिर गया है दौड़ के, तो इसका देखिए ठोर दिखा रहे ऐसे, देखिए इसका देखिए ये जो होता है ना ओठ, ओठ कट गया है, ये देखिए यहाँ पे छिला गया है, यहाँ पे देखिए कट गया है, ये देखिए दिखाओ कहाँ पे कटा है दिखाओ, दिखाओ ये देखिए, ये देखिए, और यहाँ पर भी दांत में भी चोट लग गया है, बहुत बदमाशी करते रहता है। तो इसको लेके चलते हैं डॉक्टर के पास, सुई वगैरह दिवा देंगे तो सूख जाएगा है, चलेगा डॉक्टर के पास जी हैं? आप बदमाशी करेगा नहीं, नहीं बड़ी मार मारेंगे समझा, आप बदमाशी नहीं करेगा, चलो ठीक।
तो ये देखिए डॉक्टर के पास आ गए हैं और अंशु की मम्मी इसको लेके अंदर गई है। हमको देखिए अंशु आ गया है डॉक्टर। अंशु हाँ बदमाशी करेगा। देखिए हाथ में सुइया पड़ गया है इसका। अंशु को दिखा के आए, बारिश हो रहा था तो कपड़ा भी देखिए भींग गया है, तो कपड़ा चेंज करना पड़ेगा। काफ़ी दिक्कत परेशानी हो रहा है दोस्त, क्या करें। तो ये देख सकते हैं दोस्त, हम बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं ना, इसीलिए पीला चीज़ खाने का रहता है। तो ये देखिए प्रियंका जी हमारे लिए सवे बनाई है, तो इसमें शायद हल्दी डाल दी है तो इसी वजह से पीला हो गया है। तो चलिए आज का खाना यही है हमारा, तो खा लेते हैं। तो फाइनली गाइज हमारा खाना पीना हो गया है। आशा करता हूँ दोस्त कि आप लोग भी खाना खा लिए होंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नीतीश बादशाह ब्लॉग्स। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।